वॉचिंग स्टार 9 न्यूज। भिंगारी में धर्मवीर संभाजी महाराज जी की जयंती विविध कार्यक्रमों से मनाई गई, जिनमें महिलाओं की उपस्थिति सबसे ज्यादा थी। रसायनी राकेश खराड़े एंकरिंग भिंगारी यहाँ के स्वराज्य प्रतिष्ठान सामाजिक संगठना की तरफ से जयंती उत्सव बड़े उत्साह से मनाया गया। इस समय समाज के विविध क्षेत्रों में उल्लेखनीय कामगिरी निभाने वाले माताओं का महिलाओं का सम्मान किया गया। इस दौर में हम भी कम नहीं, ये महिलाओं ने इस कार्यक्रम में सम्मान स्वीकारते हुए दिखाया। भिंगारी यहाँ स्वराज्य प्रतिष्ठान सामाजिक संगठना के युवाओं ने संभाजी महाराज जी की जयंती विविध कार्यक्रमों को प्रस्तुत करके मनाई। इस वजह से कार्यक्रम के लिए आकर्षक व्यासपीठ खड़ा किया गया था। कार्यक्रम की शुरुआत बहुजन मुक्ति पार्टी महाराष्ट्र उपाध्यक्ष संतोष रोहिदास गरग इनके हाथों से शिव प्रतिमा को पुष्पहार अर्पण कर बाद में राष्ट्र पुरुष की प्रतिमा पर मान्यवरों के हस्ते पुष्पहार अर्पण कर की गई। उस समय समाज के विविध क्षेत्रों में सम्मानित महिलाओं का सत्कार कर उनको शॉल नारियल पुष्प गुच्छ देकर उनको सम्मानित किया गया। वहाँ उपस्थित सभी महिला और पुरुषों ने भगवे रंग की पगड़ी का वेश परिधान किया था। उस समय मुंबई से अंधत्व हुए व्यक्ति शेख इन्होंने बांसुरी वादन करके कार्यक्रम में रंग भर दिया। पूरी तरह से अंधत्व शेख इनकी यह कला देखकर सबका मन हर गया। श्री शेख इनकी तारीफ करते हुए उन्हें बख्शीश देकर सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में बहुजन मुक्ति पार्टी के महाराष्ट्र उपाध्यक्ष संतोष खरत, समाज सेवक राजेंद्र मांगरुलकर, अनिल घरत, संजय घरत, भानुदास पाटिल, अमृत सूर्यवंशी, एकनाथ वाडेकर इनके साथ बड़ी संख्या में महिला और नागरिक उपस्थित थे। समाजामध्ये जागरूकतेचं जो काम घेतलंय की मुलांमध्ये महापुरुषांचा इतिहास या मुलींना शिक्षणासाठी त्यांना गाईडन्सचं काम करणं, मुलांना समाजामध्ये ज्या समाज जागृत करण्याचं जे काम घेतलं आहे भिंगारे गाव राकेश यांनी, तर राकेश यांना आम्ही आमच्या संघटनेच्या वतीनं किंवा भिंगारी गावच्या वतीनं लोकांनी आता मला सांगितलं की असा तरुण माणूस जर पुढे चालला असेल तर त्यांना पुढे जाण्यासाठी आम्ही आमच्या संघटनेच्या माध्यमातून व भिंगारे गावातल्या काही नागरिकांनी सांगितलं त्यांना सपोर्ट करा। राकेश वाडेकर यांनी समाज प्रबोधनाचा जो कार्यक्रम भिंगारे गावामध्ये घेतला या माध्यमातून महिलांचा सत्कार, महिलांचा गौरव, म्हाताऱ्या माणसांचा गौरव, शिकलेल्या विद्यार्थ्यांचा गौरव आणि आता तुम्ही पाहिलेलं असेल अंध माणसाने जो बासरी वाद्य केला या माध्यमातून त्याचा गौरव करून एक समाजाला एक नवीन संदेश देण्याचं काम राकेश वाडेकर यांनी घेतलेलं आहे। आणि समाज प्रबोधनाच्या माध्यमातून आम्ही आमच्या महापुरुषांचा जो इतिहास जो लपवला गेलेला आहे, जो दडपला गेलेला आहे, तो नव्याने समाजासमोर आणण्याचा काम आम्ही करत आहे। तो राकेश वाडेकर यांच्या माध्यमातून समाज प्रबोधनाचं काम भिंगारी गावामध्ये झालं।